हेलो जरूर बताओ। एंड गाइस, आज का भी बैकग्राउंड एम्बियंस, ये कैंडल, ये सब देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा क्रीपी, स्केरी एंड डरावना होने वाला है। शायद वी डोंट नो, अभी तक तो पता नहीं है। एंड मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि अभी रात के कितने बजे मैं फिल्म कर रही हूँ ये वाला वीडियो। एंड लास्ट जो मैंने वीडियो किया था, जहाँ पे मैंने एंजेला के साथ रात के 3 बजे बात किया था, आई होप कि आपको याद होगा कि क्या हुआ था। तो उस वीडियो में आपने इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया स्केरी नंबर्स पे कॉल करने के लिए, तो आज मैं वही वीडियो आपके लिए लेके आ गई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आपको मैं पहले बता दूँ कि ये हॉन्टेड नंबर्स क्या होते हैं। अगर आप कभी भी गूगल करोगे हॉन्टेड नंबर्स बोल के, देन आपको ऐसे कई नंबर्स मिल जाएंगे जिनको हॉन्टेड या फिर कर्स्ड माना जाता है। एंड कर्स्ड का मतलब होता है श्रापित। एंड ये सारे नंबर्स के पीछे कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा क्रीपी कहानी होती है, एंड या सारे नंबर्स के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है जो कि इन नंबर्स को और ज़्यादा क्रीपी बना देती है। एंड बोला जाता है, कई लोग मानते हैं कि अगर आप इन नंबर्स पे कॉल करते हो, देन आपके साथ कुछ ना कुछ खराब हो सकता है, आपके साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारी ऐसी खराब चीज़ें हो सकती हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, पैरानॉर्मल है। एंड अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पे बिलीव करती हूँ या नहीं करती हूँ, देन मैं आपको बोलूँगी कि आई डोंट नो। क्योंकि देखो, ये सब चीज़ें जो होता है ना, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, बट ऐसी कई चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक काम नहीं करता। तो मैं आपको नहीं बोल सकती कि ये होता है रियल में या फिर नहीं होता है रियल में। एंड ये भी हो सकता है कि कोई बंदा ये सब नंबर के पीछे बैठ के हम लोगों के साथ मस्ती करता है ऐसे ही। एंड गाइज, आप विश्वास नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने ऐसे ऐसे डरावने से वीडियो देखे हैं ना इस टॉपिक के ऊपर कि आपका मतलब दिमाग हिल जाएगा। मैंने एक वीडियो में देखा है कि एक लड़की ने कॉल किया है ऐसे ही एक हॉन्टेड नंबर पे, गला काँप रहा है बोलते हुए, कि थोड़ी देर बाद उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है नो नंबर। एंड अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें उसको सुनाई देता है कॉल रिसीव करने के बाद। कैन यू इवन इमेजिन, मैं आपको अभी वो फुटेज दिखा सकती हूँ। हेलो, हेलो, देख लिया आपने, मतलब इट वॉज अनबिलीवेबल कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कि आज ट्राई कर लेते हैं खुद से कि ऐसा सच्ची में होता भी है या फिर लोग ऐसे ही हमें डराते हैं, आई डोंट नो। तो आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं हॉन्टेड नंबर्स जो भी मुझे मिल पाए हैं, उन सारे हॉन्टेड नंबर्स पे कॉल करके हम चेक करेंगे कि सही में ऐसा कुछ होता है या नहीं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको पता है मैं कितनी बड़ी फट्टू हूँ, मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, बट फिर भी आपके रिक्वेस्ट से मैंने ये वाला वीडियो किया। एंड अभी रात के 3 बजने ही वाले हैं, एंड रात के 3 बजे को डेविल्स आर माना जाता है, वो तो आपको भी पता होगा। तो चलिए विदाउट एनी मोर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 1666666666, मतलब कि इसमें 11 नंबर्स हैं इन टोटल। तो इस नंबर के पीछे जो स्टोरी है वो कुछ ऐसा है कि एक दिन रात को एक लेडी के पास इसी नंबर से कॉल आया, बट उसने रिसीव नहीं किया। उसके तुरंत बाद 48 टाइम्स उसके फ़ोन में मैसेजेस आए, 48 मैसेजेस, एंड सारे मैसेजेस में लिखा हुआ था सेटन, मतलब शैतान।
एंड इसके बाद उसने उस नंबर पे कॉल बैक किया एंड वहाँ पे एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज सुनाया जा रहा था, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए हम भी कोशिश करते हैं इस नंबर पे कॉल करने का। ओ माय गॉड, मेरे साथ अभी कोई नहीं है यार, मुझे ये सब वीडियो बनाने में भी डर लग रहा है। आई डोंट नो मैं कैसे कॉल करूँगी, सीरियसली। ओके, 1666666666। जैसे कि आपने देखा, ये जो नंबर है ये ट्रू कॉलर पे बी नाम से सेव्ड है। आई डोंट नो इसको किसने बी नाम से सेव किया, क्यों किया, बट ट्रू कॉलर पे इसको बी दिखा रहा है, बट कुछ तो हुआ नहीं, ठीक है। एंड अभी तक मेरे पास कोई कॉल बैक या फिर कोई मैसेज भी नहीं आया। आई होप कि ना आए यार, मतलब ये सोच के ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से। सो जो नेक्स्ट नंबर है वो है 0888888। ये नंबर है बुल्गेरिया का। ये नंबर यूज़ करता था वहाँ का एक बहुत ही बड़ा कंपनी का CEO, बहुत ही स्पेशल पर्सन थे। एंड ये नंबर उसने जब लिया, उसको लेने के 2 साल के अंदर उसका मौत हो गया, ठीक है। इसके बाद, उसके मौत होने के बाद, ये नंबर जिस और आदमी ने लिया वो एक गैंगस्टर था, एंड इस नंबर को लेने के 2 साल के अंदर उसका भी मौत हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड टाइम जिस तीसरे आदमी ने ये वाला नंबर लिया, उसका भी डेथ हो गया विद इन 2 ईयर्स, ठीक है। तीनों डेथ्स बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस थे, एंड तब से बुल्गेरिया का जो गवर्नमेंट था उसने ये नंबर पे बैन लगा दिया कि ये नंबर और कोई यूज़ नहीं कर सकता था। एंड अभी 3:03 हो रहा है गाइज, ओ गॉड, 0888888888। I don't know, यहाँ पे ना just dial दिखा रहा है, पता नहीं यार ये सब numbers कौन save करता है। True caller पे दिखाता भी है कि मेरे से पहले बहुत लोगों ने किया होगा call, तो इसीलिए शायद दिखा रहे हैं। थैंक गॉड कि ये नंबर भी काम नहीं किया, क्योंकि ये वाला कॉल करने में ना मेरा सही में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वेबसाइट में क्लियरली मेंशन है कि बुल्गेरिया का जो गवर्नमेंट है उसने इस नंबर पे बैन लगा दिया था। एंड अगर कोई भी नंबर पे गवर्नमेंट बैन लगाता है, आप सोच सकते हो ना, कुछ तो बात होगा उस नंबर पे, है ना। तो अभी नेक्स्ट वाले की बारी आती है। सो गाइज, अभी मैं जिस नंबर के बारे में बात करने वाली हूँ, ये थाईलैंड का नंबर है, 999999। इस नंबर पे माना जाता है इस नंबर के लिए कि अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हो, आपकी बात डेविल से होती है, डेविल से। एंड अगर आपका फ़ोन कोई उठाता है, आप उनको कुछ विश बोलते हो कि ये आपका विश है, देन वो विश आपका ग्रैंट हो जाता है, मतलब वो विश फुलफिल हो जाता है, पूरा हो जाता है। बट आप 1 वीक के अंदर आपके साथ कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, मतलब क्लियरली मेंशन है कि 1 वीक के अंदर यू विल डाई। एंड ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि वी डू नॉट रिकमेंड यू गाइस कि आप इस पे कॉल करो। वो लोग रिकमेंड नहीं करते हैं इन नंबर्स पे कॉल करना, क्योंकि ये कभी भी किसी के लिए भी डेंजरस हो सकता है। सो मैं आपको तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप करो, बट मैं 3:00 करने वाली हूँ। गट्स नहीं है मेरे अंदर, ठीक है, मेरे में हिम्मत नहीं है, बट फिर भी मैं कर रही हूँ। ओके, 999999। নম্বরটি বৈধ নয়, অনুগ্রহ করে ডায়াল করা নম্বরটি চেক করুন।
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य देखो गाइस यहाँ पे किसी का नाम आ रहा था बट एक सेकंड आप देखो कि यहाँ पे ना ट्रू कॉलर पे किसी का नाम आ रहा है इस पे आई डोंट नो क्यों एंड ये जो नाम है वो मैं पर तो पा नहीं रही हूँ आप मुझे बताना कि आप पर सकते हो क्या ये नाम सो गाइस अभी मैं जिस नंबर के बारे में बात करने वाली हूँ वो है 090-444-444 ये जापान का नंबर है एंड वहाँ पे माना जाता है कि ये सदाको का नंबर है एंड सदाको इज अ घोस्ट ठीक है एक मतलब डेमोनिक कैरेक्टर है जापान में एंड ये भी माना जाता है कि अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हो देन आपको बहुत ही डरावने से आवाज सुनाई देते हैं देन आप विद इन अ वीक यू विल डाई आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा कुछ खराब चीजें हो जाएंगे एंड यू विल डाई तो यही माना जाता है एंड नंबर 4 को जापानीज में शी बोला जाता है एंड जापानीज मानते हैं कि शी मतलब कि नंबर 4 इज द नंबर ऑफ डेथ तो लेट्स कॉल 090-444-444 किसी को ऐसे कॉल करना ठीक रहेगा मैं अपने खुद के रियल नंबर से कर रही हूं मतलब दिस इज द नंबर आई यूज ठीक है दोबारा कॉल कर ही देते हैं पता नहीं 3 बजे उठाएगा नहीं उठाएगा हेलो हेलो ये क्या था यार मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भूतिया नंबर होगा ठीक है क्योंकि अगर सही में ये भूतिया नंबर होता तो हमको सुनाई तो देता है ना कुछ डरावनी चीजें जो कि हमें सुनाई नहीं दिया मैंने ना बहुत सारे वीडियो में देखा है यूट्यूब पे कि इस नंबर पे लोग कॉल करते हैं एंड कोई बंदा कॉल खुद से काट देता है मेरा कॉल क्यों नहीं काटा मुझे ना लगता है कि ये नंबर किसी बंदे का है एंड वो ना खुद से हम लोग को डराने के लिए ऐसा करता है क्योंकि बात क्यों नहीं किया है ना मुझे और मन ही नहीं है किसी और नंबर पे कॉल करने का बट लास्ट एक नंबर पे कॉल कर लेते यार ये जो नंबर है ना 666 इसको शैतान का नंबर माना जाता है मतलब डेविल का नंबर माना जाता है आपने बहुत जगह पे शायद देखा होगा कि जैसे 111-4 ones को भगवान का नंबर माना जाता है वैसे ही 666 नंबर को डेविल का नंबर माना जाता है बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स में अगर आप 666 नंबर का रूम लेते हो ना देखा जाता है कि somehow that room is cursed वो श्रापित नंबर होता है तो 666 नंबर पे भी हम कॉल करके देखेंगे कि कुछ होता है या नहीं होता है प्लीज कुछ मत होना यार मुझे नहीं चाहिए आवाज क्यों नहीं हो रहा बट इट्स डायलिंग गाइस अभी तक डायल हो रहा है बट कुछ आवाज नहीं आ रहा फिर से करती हूँ कुछ आवाज ही नहीं आ रहा आज रात को मुझे तो नींद आने वाला है नहीं मैं खुद को तसल्ली दे रही हूँ कि कोई बंदा ही था एंड प्लीज प्रे कर लेना मेरे लिए क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि 1 week के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है मतलब कैसे ये नंबर एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में एंड बाकी जितने भी लोग हैं ना जितने भी लोगों ने इस नंबर पे कॉल किया है सबका रिंग हुआ है
सबका मतलब सबके साथ ये नंबर कनेक्ट हुआ था. मतलब कुछ चीजें होते हैं ना जिसको आप लॉजिक से नहीं समझ सकते हो. तो आज के लिए इतना ही. मेरे में और बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं है कि मैं और नंबर्स पे कॉल करूं. और भी बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे ही हॉन्टेड नंबर्स. तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो इस वीडियो में देन शायद मैं फिर से और एक वीडियो बनाऊंगी ऐसा. ठीक है, तो बहुत सारा लाइक कर देना यार, क्योंकि सही में बोल रही हूँ मेरी बहुत फटती है ऐसी वीडियो बनाने में, बहुत फटती है. बट लास्ट वीडियो में आपने इतना रिक्वेस्ट किया कि मैं आपकी रिक्वेस्ट टाल नहीं सकती हूँ. ठीक है, मेरे से नहीं होता. तो प्लीज़ यार प्यार दिखाना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को भी. एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं जिंदा रही एक वीक तक. जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय. तो या गाइस आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर. एंड ज़्यादा डरो मत, शायद कुछ नहीं होगा. ठीक है, एंड कुछ होता है नहीं होता है जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे स्टोरीज बना दिया करूँगी. ठीक है, तो या बाय.